हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, चलिए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 यानी 1/7 बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, 1/7 बराबर दिया हुआ है 0.142857 के ऊपर में 12, ठीक है, टोटल के ऊपर में 12 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे, हमको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पे जो इस बार दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि रिपीट आगे यही होते गया है, 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर इसी तरह 1, 4, 2, 8, 5, 7, इस तरह क्या हो गया, रिपीट होते आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो देखिए हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, 2/7 का और 3/7 का, 4/7 का, 5/7 और 6/7, ये सब का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको चेकआउट करते हैं, इसको पहले चेक करते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं है, भाग देके देखते हैं। तो देखिए अंश को हर से भाग देंगे, 0.0 एक बार में, फिर 3, 0, 2, 0, 6, 0, 4, 0। देखिए अब मेरा क्या है कि मेरा यहाँ पे 1 से हम स्टार्टिंग किए थे, मेरा आ गया 1 यहाँ पे, इसका मतलब फिर हम अगर 0 डालेंगे तो फिर ही 1 टाइम्स में 7, 1, 7, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से रिपीट होते आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट किए थे, हमको 1 मिल गया, अब 7 फिर खिलाएंगे, फिर क्या 28 आएगा इसमें, फिर तो इसका मतलब ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट आगे होते गया है, 1, 4, 2, 8, 5, 7 यही मेरा आगे रिपीट होते गया है। तो अब हम इसके माध्यम से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 2/7, तो 2 × 1/7 इसको लिख सकते हैं, 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7, जहां मेरा 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 × 1/7 का 0.14, हम इसको मिटा देते हैं। रिपीट देखिए यहां पे 1 से स्टार्ट किए थे, हमको 1 मिल गया, अब क्या होगा, फिर वही रिपीट संख्या होगा, इसका मतलब हम उस पर बार लगा सकते हैं, जो संख्या मेरा बार बार रिपीट हो रहा है आगे चलते जा रहा है तो हम उसके ऊपर में बार लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1, 4, 2, 8, 5, 7 इसके ऊपर में बार है, हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10 और 1 = 11 और फिर 8 × 2 = 16, 16 और फिर 1 = 7, 2 × 2 = 4 और फिर 1 = 5, 4 × 2 = 8, 1 × 2 = 2, इतना आ जाएगा। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बार हम इसलिए दिए कि इसका मतलब ये भी क्या होगा, रिपीट होते आगे चलते जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह देखिए, इसी प्रकार हम इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 × 0.1427, इसको आप गुना कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1/7, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1/7 का वैल्यू वही 0.142857 के ऊपर में बार, टोटल के ऊपर में बार, आगे 5 × 1/7, तो क्या हो जाएगा, 5 × 0.142857 के ऊपर में
बार, फिर 6 इंटू 1 बाय 7, तो 6 इंटू 0.142857 के ऊपर में बार, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है वैल्यू। तो देखिए 7 3 21, 2 कैरी बच गया, 5 3 15, 2 17, 1 8 3 24, और फिर 1 25, 2 3 2 6, 2 8, और 4 3 12, 3 1 3, और 1 4 डेसिमल, इतना आ जाएगा मेरा वैल्यू। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28, 2 कैरी बच गया, 5 4 20, और 2 कैरी था 22, फिर 2 कैरी बच गया, 8 4 32, फिर 2 कैरी था 34, 3 4 2 8, 8 3 11, 4 4 16, 1 17, 1 कैरी बच गया, 4 1 4, और 1 5, इतना हो जाएगा इसका। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, 7 5 35, कैरी बच गया 3, 5 5 25, और 3 कैरी बच गया था 28, कैरी बच गया 2, 8 5 40, 42 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 4 कैरी बच गया, 5 2 10, 10, और फिर 4 14, कैरी बच गया 1, 5 4 20, 20 और 1 21, फिर 2 5 1 5, और 2 7, इतना हो जाएगा। 0.0 लगा देंगे इसके ऊपर में बार। इसका देखिए क्या आ रहा है, 7 6 42, 4 कैरी बच गया, 6 5 30, 30 और 4 34, 3 कैरी, 8 6 48, 48 से 3 51, 5 6 2 12, 12 और 5 17, 1 कैरी बच गया मेरा, 6 4 24, 24 और 1 25, 2 कैरी बच गया, 6 1 6, और फिर 2 8 हो जाएगा, दसमलव लगा देंगे। अब देखिए मेरा जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, कि यही संख्या मेरा क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब जब बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसके ऊपर में बार लगा दिए। ये हो गया मेरा किसका, 3/7 का वैल्यू यहाँ हो गया, 4/7 का हो गया, 5/7 का, 6/7 का, और ये 2/7 का वैल्यू हो गया। हम इसके माध्यम से ये सब का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। पी बटे क्यू के रूप में हमको व्यक्त करना है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, जिसमें पहला दिया हुआ है 0.6 के ऊपर में बार, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हमको इसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम बार का मतलब समझाते हैं, 0.6 के ऊपर में बार है, इसका मतलब 6 के ऊपर में बार है, तो 6 रिपीट होते गया आगे, दशमलव के बाद 6 6 6 6, इस तरह कंटिन्यू चलते रहा है। 6 के ऊपर में बार है, इसका मतलब 6 रिपीट आगे होते गया है, ठीक है। तो बार का मतलब आप समझ लीजिए कि जिसके ऊपर हम बार रहे, इसका मतलब आगे कंटिन्यू मेरा चलते रहा है। तो यहाँ पे 6 के ऊपर में बार है, तो 6 मेरा क्या है, आगे कंटिन्यू चलते रहा है। तो देखिए सबसे पहले माना, मान लेंगे हम इसको x बराबर क्या मान लेंगे, 0.6 के ऊपर में बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0. इसका मतलब बार का मतलब क्या है, 6 6 6 6, इस तरह कंटिन्यू, इसको मान लेंगे समीकरण 1, कोई दिक्कत, कंटिन्यू है ये। यहाँ पे हम स्टॉपेज इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार दे दिया है। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए अगर मेरा दशमलव के बाद तुरंत कोई डिजिट रहे और उस पर बार रहे, इसका मतलब तुरंत रिपीट होना शुरू हो जाए, तो हमको ज़रा दिमाग ज़्यादा लगाने का ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से गुना कर देंगे। देखिए तुरंत यहाँ पे बार स्टार्ट हो गया, देखिए दशमलव के बाद तुरंत जो संख्या है उसके ऊपर में बार है, इसका मतलब तुरंत रिपीट आगे होते क्या है। तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो देखिए जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 10 × 0.66, इस तरह कंटिन्यू, तो इधर हो जाएगा 10x, इधर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम किसी संख्या को, सपोज
6.2 है, इसको हम 10 से बोलेंगे मल्टीप्लाई करने। तो जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा डेसिमल क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, यानी 6.2 इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर हम 6.2 को 10 से डिवाइड कर दें तो दशमलव पीछे नहीं जाएगा आपकी बार, क्या हो जाएगा, दशमलव आगे आ जाएगा। जितना जीरो यहाँ पे रहे, वन यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको नंबर ऑफ जीरो देखना है। तो एक जीरो है इसका मतलब एक संख्या मेरा आगे टप हो जाएगा, यानी आगे चले जाएगा दशमलव। तो क्या आ जाएगा, 6.2 यहाँ पे आगे, 6 के आगे दशमलव आ जाएगा। और यही अगर जीरो मल्टीप्लाई में रहे, 10 जैसे यहाँ पे है 10, तो एक जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अंक पीछे चला गया। सपोज 6.2 है इंटू 100 है, ठीक है, 6.2 इंटू 100 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो, दो, तो दो अंक ही पीछे चला जाएगा। तो 6.2 दो, एक ही अंक हुआ, यहाँ पे था तो यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन हमको दो अंक पीछे करना है, तो यहाँ पे था तो यहाँ पे दे सकते हैं, इतना हो जाएगा, जिसमें दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता। तो दो अंक के बाद दशमलव देना है हमको, क्योंकि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दशमलव कहाँ चले गए, पीछे। उसी तरह हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से, तो दशमलव एक कहाँ चला जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पीछे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 6.66 इस तरह कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए अगर हम समीकरण दो में एक को घटा दें तो लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, जब घटाएंगे तो मेरा वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, 10x में हम क्या घटा रहे हैं, x को माइनस कर रहे हैं, इक्वल टू, और क्या माइनस कर रहे हैं, देखिए 10x में इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, 6.66 माइनस 0.66, ठीक है, इतना। यानी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए शॉर्ट में अगर करें तो x माइनस कर रहे हैं, 10x क्या है, 6.66, और x क्या है, 0.66, इतना है। जब हम माइनस कर रहे हैं तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 में से x माइनस हो गया, कितना, 9x, 10 में से एक x माइनस 9x। इसमें देखिए जब माइनस करेंगे, 6 में 6 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0, सिर्फ 6 में 0 जब माइनस करेंगे सिर्फ 6 होगा यहाँ पे। इधर तो मेरा टोटल टर्म 0 हो गया, यहाँ पे मेरा 6 सिर्फ वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या बच रहा है जो कि 6 है, यहाँ पे 0 है, तो 6 में से 0 माइनस हो गया तो कितना, 6, इधर सब मेरा क्या हो जाएगा, होल टर्म को ही 0 कर देगा, तो 9x बराबर कितना आ गया, 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/9, इतना हो जाएगा। इसको आप कटा भी सकते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो x बराबर क्या आ गया, 2/3। तो यही मेरा फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, क्या, x बराबर 2/3, x मेरा क्या था, 0.6 के ऊपर में बार, तो 0.6 के ऊपर में बार हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। आगे देखते हैं इसको सेकंड को, सेकंड में देखिए क्या है, अभी हम तुरंत बोले कि जैसे दशमलव रहे उसके बाद जो संख्या रहे उसका बार तुरंत स्टार्टिंग हो जाना चाहिए, इसका मतलब रिपीट आगे कंटिन्यू होते रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 6 था, 6 चलते गया, यहाँ पे देखिए एक 4 फिक्स कर दिया है, 4 को कोई चेंज नहीं किया है, 4 फिक्स है, रिपीट मेरा क्या होते गया है, 7, 0.4 फिक्स है, 7 7 7 7, इस तरह 7 मेरा रिपीट हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमको जो रिपीट हो रहा है उसके आगे हमको दशमलव लाना है, तो 7 रिपीट हो रहा है तो 7 के आगे हमको दशमलव लाना पड़ेगा, उससे क्या होगा कि बनाने में थोड़ा कुछ इजी होगा, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है मेरा उसके आगे हमको दशमलव लाना है, एक हमको फिक्स कर दिया है तो जरा सा कन्फ्यूजन के लिए दिया है, आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, हम इसको दशमलव एक पीछे कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, x बराबर इसको मान सकते हैं क्या, 0.47 के ऊपर में बार, तो x बराबर क्या, 0.4777, इस तरह 7 मेरा रिपीट हो रहा है। जब हम इसको एक अंक पीछे करेंगे
तब देखिए ये रिपीट जो संख्या हो रहा है उसके आगे में आ जाएगा दशमलव, जो मेरा संख्या रिपीट हो रहा है उसके आगे में हमको दशमलव लाना है, तो यानी 10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 4.777, इस तरह रिपीट होते जाएगा। अब देखिए जो मेरा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मेरा 6 रिपीट हो रहा था उसके बाद तुरंत दशमलव था, यहाँ भी 7 रिपीट हो रहा है उसके पहले तुरंत दशमलव है, यहाँ भी उसके पहले तुरंत दशमलव था। इसका मतलब कोई संख्या हमको रोकने वाला अब नहीं है, डायरेक्ट दशमलव हमको मिल गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब हमको इससे आगे, जैसे यहाँ पे जिससे हो गया था उसके बाद हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे, डेसिमल हमको तुरंत मिल गया ना, जो संख्या रिपीट हो रहा है उसके तुरंत पहले हमको 10 मिल गया, तब क्या किया 10 से गुना कर दिए। इसमें भी जो हमको संख्या रिपीट हो रहा है उसके आगे दशमलव मिल गया, अब क्या करेंगे दोनों तरफ फिर 10 से गुना कर देंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर बहुत ही आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन आपको लगा रहेगा। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, तो 10x तो क्या हो जाएगा ये 100x हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं। जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4, फिर 10 मतलब देखिए आगे चला जाएगा क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4.77 रिपीट हो रहा है जो कि आगे तक कंटिन्यू है। इसका हम इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, ठीक है, हम घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 100x बराबर क्या है 47.777। कंटिन्यू, स्टॉपेज नहीं है, इधर है 10x समीकरण एक 4.777 कंटिन्यू। दशमलव को दशमलव के सीधा हम रखे हम, क्योंकि माइनस करने में टेंशन नहीं होने वाला है, जब माइनस करेंगे तो 100 में 10x माइनस हो गया तो 90x हो जाएगा ये, इधर क्या हो जाएगा 77 का तो वही कैंसिल होकर वही जीरो बच जाएगा, 7 में 4 तो 3 हो जाएगा 4, दशमलव का दशमलव इधर जीरो देंगे कोई चेंज नहीं होगा, तो 90x बराबर क्या आ गया 43, 90x बराबर क्या आ गया 43। अगर हम x को फ्री करें, देखिए हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे किसका आई सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है, थर्ड नहीं है, सॉरी सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, जरा सा मिस हो गया था यहाँ पे, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए 90x इक्वल टू क्या है 43, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 43/90, इतना आ जाएगा वैल्यू मेरा। x हम क्या माने थे 0.47, किसके ऊपर में बार, सिर्फ 7 के ऊपर में बार, ये नहीं कि 47 के ऊपर में बार है, 47 के ऊपर में टोटल बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर में बार है, ठीक है, तो 7 के ऊपर में बार दे देंगे, इक्वल टू क्या आ गया 43/90, ये मेरा वैल्यू आ गया किसका पी बटे क्यू के रूप में आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक, बस इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको जरा भी मतलब परेशानी होने का बात नहीं है, यानी परेशानी आपको जरा भी नहीं होने देंगे हम, ठीक है। आगे देखते हैं इसके थर्ड, फर्स्ट हम सॉल्व कर दिए, सेकंड भी सॉल्व कर दिए, थर्ड को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। आगे देखिए थर्ड जो है क्या है 0.001 के ऊपर में बार, 1 के ऊपर में नहीं 001 के ऊपर में, जो कि आगे रिपीट होते गया है, तो सबसे पहले इसको x मान लेंगे, x बराबर क्या 0.001 के ऊपर में बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.001 टच हो गया, फिर 001 इस तरह कंटिन्यू मेरा रिपीट होते गया है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अगर देखिए यहाँ पे कितना है संख्या है, 3 संख्या है, 1 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है आगे, 3 संख्या मेरा क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है,
जब मेरा तीन संख्या, एक संख्या मेरा रिपीट हो रहा था तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, एक जीरो वाला क्या होता है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर मेरा दो संख्या रिपीट होता, सपोज 7474 दशमलव के बाद 74, इस तरह रिपीट होते जाता तो हम किससे इसको मल्टीप्लाई करते, तो 74 कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, दो डिजिट, तो इसको दो शून्य वाला यानी 100 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे मेरा रिपीट क्या हो रहा है, तीन संख्या मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 से, 1000 से, 100 से नहीं 1000 से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, 1000 से। ठीक है, पता चल गया आपको कि जितना संख्या मेरा बार बार रिपीट हो, तीन संख्या अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो तीन जीरो बोला 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मेरा एक संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम दो जीरो वाला क्या होता है 100, जो कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तीन संख्या मेरा बार बार रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, गुना करने पर, तो देखिए जब हम गुना करेंगे दोनों तरफ x 1000 से, तो इधर 1000x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव मेरा कितना आगे पीछे चला जाएगा, तीन जीरो है इसमें यानी तीन अंक पीछे चला जाएगा, तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 001, फिर 001, इस तरह रिपीट होते आगे कंटिन्यू चले जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इसको माने थे फर्स्ट, इसको सेकंड, अब क्या करेंगे समीकरण दो में से समीकरण एक को माइनस कर देंगे, मेरा वैल्यू आ जाएगा, तो लिखेंगे क्या, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, जब हम दो में से एक को घटाएंगे तो दो मेरा क्या है 1000x, और एक क्या है x सिर्फ, यही है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इधर मेरा होल टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वन बच जाएगा, इधर 1000 में से 1000x में एक x कैंसिल, तो 999 सिर्फ 999 x बच जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया मेरा वैल्यू, देखिए हम इधर लिख देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 1/999, तो 1/999 मेरा आ गया x का वैल्यू। x हम क्या माने थे 0.001 के ऊपर में बार, तो 0.001 के ऊपर में बार का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/999 यानी 999, ये मेरा आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया P/Q के रूप में हम इसको निकाल दिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, 0.999 रिपीट होते गया आगे तक कंटिन्यू है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, हमको इसको भी P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए ये आप अपने सहयोगी के साथ इसका चेक कर सकते हैं, यानी सार्थकता पर चर्चा इसका कर सकते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं इसको, फिर आप इसको सार्थकता से चेक चर्चा ही नहीं करते रहिएगा। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट के लिए है, अपने से आपको करना है, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं क्या करना है। रिपीट मेरा क्या हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, देखिए 0.999 इस तरह कंटिन्यू मेरा चलते रहा है, एक्स मान लिया उसको। अब देखिए एक्स बराबर क्या है 0.99, रिपीट क्या हो रहा है मेरा 99 रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसके आगे जस्ट दशमलव है, तो हमको इसमें टेंशन लेने के बात नहीं है। क्या रिपीट हो रहा है, कितना संख्या, एक संख्या रिपीट हो रहा है, अगर एक संख्या मेरा रिपीट हो रहा है तो हम उसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 10 से, इसको एक मान लेते हैं समीकरण एक,
लिखेंगे दोनों तरफ x, सॉरी 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो जब हम इसको 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इधर इधर एक दशमलव पीछे चलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.99, इस तरह रिपीट होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेंगे सेकंड, फिर अब माइनस कर देंगे जो कि अभी तुरंत किए थे, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, तो जब घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 10x में क्या घटा रहे हैं, x घटा रहे हैं, इधर क्या है 0.99 वैल्यू है इसका, जब इसको माइनस करेंगे 10x में एक x कैंसिल हो गया तो 9x बचेगा यहाँ पे, इधर तो होल टर्म जीरो हो जाएगा, 9 में 9 जीरो जीरो, इधर सब जीरो, तो इधर बचेगा सिर्फ 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9/9, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1। जब x का वैल्यू मेरा 1 आ गया, इसका मतलब 0.99 जो रिपीट हुआ है अप्रोक्स 1 के वैल्यू है, जो कि हम इसको लगभग 1 बोल ही देते हैं, तो x बराबर जब 1 आ गया मेरा, तो x क्या है 0.9 के ऊपर में बार 1, 9 इस तरह जब रिपीट होगा तो लगभग 1 के बराबर होगा, यही हमको इसमें सार्थकता पर चर्चा करना था, यानी चेक करना था क्या ये 1 के बराबर होता है या फिर नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, रहने देते हैं, इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि अगर हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।